कोच के भरोसे रहना बहुत खतरनाक। गंभीर को लेकर आरस्विन ने दिया बड़ा बयान। हाँ, जब से गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बने हैं, वो दिग्गजों के निशाने पर है। कोई उनकी प्रशंसाएं करता हुआ दिखता है, कोई उनके तारीफ के पुलिंदे बांधता दिखता है, कोई उनकी रणनीतियों को सराहता हुआ दिखता है, तो वहीं कोई उनके ऊपर सवालिय निशान उठाता हुआ दिखता है, कोई उनकी रणनीतियों को सवालों के कटघरे में खड़ा करता हुआ दिखता है, तो कुछ दिग्गज ये भी कहते हुए दिखते हैं कि इनका लंबा करियर भारतीय टीम के लिए नहीं होने वाला, बतौर कोच ज्यादा दिन टिकने नहीं वाले हैं और इनका हस ग्रेग चैपल वाला होने वाला है। हाल फिलहाल आरस्विन ने भी गौतम गंभीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं, कोचिंग स्टाइल को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और नए युवा खिलाड़ियों को सीख भी दी है। आखिरकार अपने यूट्यूब चैनल पे आरस्विन ने क्या कुछ कहा, गंभीर को लेकर उनकी सोच क्या है, गंभीर की रणनीतियों को लेकर उनकी सोच क्या है, उसके अलावा वो नए युवा खिलाड़ियों को क्या सुझाव देते हुए दिखते हैं, वो क्या कुछ कहते हुए दिखते हैं, अपने इस रिपोर्ट में आपको पूरे विस्तार से पूरे तफसील से हम समझाने वाले हैं। अगर बात करें आरस्विन की, तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि देखिए, कोच पर युवा खिलाड़ियों को निर्भर नहीं रहना चाहिए। यहां तक उन्होंने कह दिया कि ये जो नई कोचिंग स्टाइल है उससे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जो नए कोच होते हैं वो जो एक सुझाव किसी एक खिलाड़ी के लिए रखते हैं, वही सुझाव अगर सफल हो जाता है तो दूसरे खिलाड़ी को भी देने का प्रयास करते हैं, वो कॉपी पेस्ट उसी सुझाव को करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अश्विन का मानना है कि हर एक खिलाड़ी का अपना लिमिटेशंस है, अपना स्ट्रेंथ, जो चीज एक खिलाड़ी पर सटीक बैठ जाती है, जो भी राय एक खिलाड़ी के लिए सफल हो जाता है, ये उसका तात्पर्य नहीं निकालना चाहिए कि वही राय वही सुझाव दूसरे खिलाड़ी के लिए भी सफल होगा, वही चीजें दूसरे खिलाड़ी के लिए भी सही होंगी। लेकिन आजकल के नए कोचिंग स्टाइल में यही किया जाता है, जो कि खिलाड़ियों के लिए खतरनाक है। और हर एक युवा खिलाड़ी को समझना चाहिए कि उनका अपना स्ट्रेंथ क्या है, अपना वीकनेस क्या है, और अपना सोच लगाना चाहिए कि वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर कोई कमी कोई खामी आई है तो उनको अपने आप को समय देना होगा और कोच के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि कोचिंग स्टाइल जो आजकल की हो गई है वो ये हो गई है कि अगर एक सुझाव कोच का किसी एक खिलाड़ी के ऊपर सटीक बैठ जाता है तो वही कॉपी पेस्ट दूसरे खिलाड़ी के लिए कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है, जो कि वाजिब नहीं है, और ये खिलाड़ियों के प्रदर्शन को गिराता हुआ दिखता है। अगर हम कोचिंग स्टाइल की बात करें, युवा खिलाड़ियों के सुझाव की बात करें, तो अश्विन कहते हुए दिखते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी कोच या मार्गदर्शक या किसी एक व्यक्ति पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि लोगों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आप नए विचारों के लिए तैयार नहीं होते हैं। अक्सर कोच की चुनौती आपके लिए कई समाधान देने में सक्षम होना होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एक विशेष खिलाड़ी के लिए काम करता है वो शायद दूसरे के लिए काम नहीं करे। एक आधुनिक कोचिंग का पहलू जिससे मैं पूरी तरह असहमत हूँ वह यह है कि वे उसी तकनीक को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं जो किसी अन्य क्रिकेटर के लिए काम कर चुकी है। एक क्रिकेटर के तौर पर आपको लगातार नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको अपने जवाब खुद ही तलाशने चाहिए। यदि आपको अपने खेल के बारे में जानकारी नहीं है और यदि आप खुद को नहीं सिखा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप हमेशा किसी पर निर्भर रहने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक हिस्सा है। ये आरश्विन का मानना। आरश्विन नए खिलाड़ियों को सुझाव देते हुए दिखते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप पूरी तरीके से कोच के ऊपर मत डिपेंडेंट रहिए, मत निर्भर रहिए, आप अपने खेल को समझिए, अपने तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करिए। और यही बात वो कहते हुए दिखते हैं कि जब मैं नया नया शुरुआत किया था क्रिकेटिंग करियर का, तो WV रमन ने मुझे यही सिखाया था कि आप अपने खेल को समझिए, परखिए, थोड़ी बहुत जो सुझाव लेना है वो मुझसे लीजिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट जो करना है, बहुत लार्ज इम्प्रूवमेंट करना है, वो आपको अपने अंदर खुद करना होगा, तभी आपका अपना सोचने की एबिलिटी डेवलप होगा और आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर में सभी सफल हो सकते हैं, ये अश्विन का मानना है। वही गंभीर को लेकर भी अश्विन ने बोला है कि वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, वो बहुत सही सुझाव देते हुए दिखते हैं, और जो सबसे बड़ी विशेषता है गंभीर की, वो सही बोलना जानते हैं, वो सत्य बोलना जानते हैं, वो बातों को मोड़ते नहीं है, तोड़ते नहीं है, जो कुछ सटीक उनका विश्लेषण होता है वो आपके सामने रख देते हैं, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे।
अगर हम बात करें आर अश्विन की गंभीर को लेकर बात की, तो उन्होंने कहा, गौतम ऐसी व्यक्ति हैं जिनके साथ मेरा अब भी बहुत अच्छे संबंध है, इस तथ्य के कारण कि वो बहुत सीधे और ईमानदार व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर भी उन लोगों में से एक हैं जिनका हमें हमेशा समर्थन करना चाहिए, वो भारतीय क्रिकेट के हीरो हैं। तो ये आर अश्विन का मानना है गौतम गंभीर को लेकर, यानी कि वो गौतम गंभीर को एक ईमानदार व्यक्ति मानते हैं, और ये भी कहते हुए दिखते हैं कि जो गौतम गंभीर का थॉट प्रोसेस है, जो गंभीर की रणनीतियां हैं, वो जरूर कुछ लंबे समय के लिए अभी विफल दिखी हैं, ओडीआई श्रृंखला में वो सफल होती भी नहीं दिखी हैं, लेकिन बतौर खिलाड़ी हमको उनको बैक करना चाहिए, उनकी रणनीतियों को अमल करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। गंभीर बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले खिलाड़ी हैं अश्विन के हिसाब से, और वो सफल भी होने वाले हैं। देखना दिलचस्प रहेगा, जब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला रहेगी तो अश्विन का गंभीर के अंडर कैसा प्रदर्शन आता है और कैसे अश्विन और गंभीर की जोड़ी फील्ड पर दिखती है, और बांग्लादेश के में होने वाली जो बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट श्रृंखला है वहां पर अश्विन का कैसा प्रदर्शन आता है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।